ईद उल अजा या ईद उल जुहा यानी बकरीद इस साल 17 जून 2024 को मनाई जाएगी। बकरीद इस्लाम के सबसे पवित्र त्योहार में से एक है। हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी के लिए कांग्रेस के पूर्व नेता शेख हुसैन ने पूरे भारतवर्ष के विभिन्न जगहों से बकरों को लाकर करीब 3 साल तक पालकर बड़ा किया है। उन्होंने बताया कि ईद के दिन इन बकरों की कुर्बानी दी जाएगी। इस्लाम धर्म में साल भर में 2 ईद मनाई जाती है, एक को मीठी ईद कहा जाता है और दूसरी को बकरीद। ईद सबसे प्रेम करने का संदेश देती है, तो बकरी ईद अपने कर्तव्य निभाने का और अल्लाह पर विश्वास रखने का। ईद उल जुहा कुर्बानी का दिन भी होता है। बकरी ईद के दिन इसलिए बकरी की कुर्बानी दी जाती है। शेख हुसैन ने इस त्योहार को सभी धर्मों के लोगों के साथ भाईचारे से मनाने की बात कही है। अब ये चांद है, ये 2-3 जने है, इन्हें यूपी से ना है, पूरी सेवाएं करते ये लोग इनकी बकरी की। यानी ऐसा भी नहीं है चारा डाल दो पानी डाल दो खाते रहेंगे, हाथ से खिलाना पड़ता है उनको। अभी देखो ना, ये सब फ्रूट रखा हुआ है, अखरोट फकरोट बादाम दूध मिला के खिलाते हैं इनको। मैं सबसे पहले बकरा ईद की नागपुर शहर और पूरे हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और ईद बड़े अच्छे से सब लोग मनाए, भाईचारे के साथ में मनाए। और ईद का त्यौहार ऐसा है कि सब मिलजुल कर, हमारे सब दोस्त भाई जितने भी है, हिंदू मुसलमान जितने भी है, एक में को मुबारकबाद देते हैं। और ईद का त्यौहार नागपुर शहर में बहुत कहने खुशी से मनाया जाता है। और ये जो हमारे बकरा ईद है, ये आज से नहीं है, 15 साल से अभी, यानी लोग तो हजारों की भीड़ यहाँ पर देखने के लिए आती बकरे, कहते पाले हुए बकरे हैं ना ये सभी। और इतने बकरे तो इतने 200 किलो के बकरे हैं ना, मतलब काफ़ी बकरे हैं। और ये कोई हम बेचने के लिए नहीं लाते, सब कुर्बानी के लिए लाते बकरे, सब कुर्बानी के लिए लाए हुए हैं। इसलिए बस ये बकरा ईद के लिए लाए हुए बकरे, बकरा ईद के दिन कुर्बानी होंगी। कुछ बज के ज़्यादा हो गया तो एक आदमी दूसरे दिन बासी ईद के दिन हो जाती है। इस तरीके से ये कुर्बानी होती है और हर साल लाते हैं हम लोग हर साल। अभी जैसा ये साल आएगा ख़त्म होगा तो अभी से ही लेके रख देंगे बकरे। पाले हुए बकरे हुए हैं, अब कुर्बानी होती है तो सब आँख में आंसू आता है। ऐसे लेके खाना अलग बात है, बकरा हो गया तो क्या हो गया। तो सब लोग यानी मतलब बहुत खड़े नहीं रहते ना, खड़े नहीं रह पाते। साल भर से इन्होंने पाले बकरों को देखे, ये किए, उसके सामने उसकी कुर्बानी होंगी तो बहुत मुश्किल होता है। और बकरे पालना ये कोई आसान काम नहीं है ना। अभी ये साल में 3-4 बकरे की डेथ हो गई तो लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। लेकिन ये ईद का त्यौहार है और माले रसूलुल्लाह सल्लम के बनाए हुए, उनके बताए हुए कदमों पे हम चलते हैं और ईद बढ़िया खुशी से मनाते हैं। और नागपुर शहर के अंदर में यहाँ बकरे जो है बड़े बेमिसाल और अच्छे बड़े बड़े बकरे ला के यहाँ पर हम लोगों के सामने रखते हैं और कुर्बानी करते हैं। कई लोग देखने के लिए अभी 1-2 दिन बचे हैं तो पूरी भीड़ की भीड़ देखने के लिए आती है, बाहर से लोग आते हैं छिंदवाड़े से। आपका नाम बताओ। यामीन अहमद। यामीन, आपने अभी ईद के लिए जो है बकरा लाया है, कब से आप इसको पाल रहे हो और क्या नाम रखा है आपने अपने बकरे का? शेरू। देखो कैसे खिलाते हो उसे? पहले बैठता फिर मुंह में भर देता हूँ। कितने दिन से आप इसको पाल रहे हो? जब से तो कल तो खाना पीना इसका। हेलो, सामने देखो बेटा, आपका नाम बताओ। अफान अहमद। अफान, ये जो आप ईद के लिए बकरे लाए हो, कब से पाल रहे हो आप? 3 दिन। 2 साल। क्या नाम रखा है आपने अपने बकरे का? टाइगर। इनका क्या करेंगे ईद के लिए? ईद कर देंगे। ईद कर देंगे। कुर्बान किए जानवर को 3 भागों में काटा जाता है। एक भाग गरीबों में दान कर दिया जाता है, दूसरा भाग दोस्तों और रिश्तेदारों को दे दिया जाता है और बचा हुआ तीसरा भाग परिवार खाता है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।